हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, हम जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 झारखंड समान ज्ञान का एक पाठ्यक्रम है झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है झारखंड की आर्थिक स्थिति। इस संदर्भ में हम वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के तहत झारखंड की आर्थिक स्थिति को हम जान रहे हैं। इसके तहत हम झारखंड के बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करने के पश्चात हम विभागवार इस वित्तीय वर्ष बजट के तहत उस विभाग के लिए कौन कौन सी बातें प्रस्ताव लाए गए हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इस कड़ी में ग्रामीण विभाग, विकास विभाग, कला संस्कृति विभाग, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग में वित्तीय वर्ष 2021 के तहत कौन सी बातें कही गई है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। छात्र, इसी कड़ी में हम देखेंगे अन्य कौन कौन से विभाग हैं और उस विभाग के बारे में कौन कौन सी बातें इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रस्ताव लाई गई है, उसी से संबंधित हम नेक्स्ट लिखेंगे। और इसका नाम देख रहे हैं 33 का जो डी चल रहा था, अब उसका नाम दे रहे हैं 33 का ई। छात्रगण लिखिए, हेडिंग दीजिए, कृषि पशुपालन एवं संबंधित विभाग। कृषि पशुपालन विभाग, ऐसे लिखिए, कृषि पशुपालन विभाग। तो छात्रगण, हम यहां जानेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021 के बजट में कृषि पशुपालन विभाग के लिए कौन कौन सी बातों का प्रस्ताव लाया गया है या कौन कौन सी बातें कही गई है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कृषि से रिलेटेड जो विभाग है उसके उसमें भी कौन कौन सी बातें इस वित्तीय वर्ष के बजट में कही गई है। छात्रगण लिखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट, राज्य की 75% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र, मतलब उसी से रिलेटेड कृषि एवं उससे संबंधित पर निर्भर है। इसके लिए सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना योजना ऋण के बोझ से दबे किसानों के लिए, ऋण के बोझ से दबे किसानों के लिए घोषणा की गई है, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट उसी का, धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता योजना, धान उत्पादन एवं
बाजार सुलभता नामक योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट उसी का चलेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए करते हुए वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से झारखंड राज्य किसान राहत कोष का सृजन की योजना प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं के स्वास्थ्य हेतु मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक शुरू करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं के आर्थिक उन्नयन हेतु 90% अनुदान पर 90% सब्सिडी 90% अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट, हर जिले में दो दो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, विभाग हमारे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग में 2020-21 के तहत कौन से प्रावधान इसमें किए गए हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो लिखिए सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसमें लिखिए आप लोग सिंचाई वाले विभाग में। दो हजार बीस इक्कीस के वित्तीय वर्ष में 50 मध्यम सिंचाई योजनाओं को एक साल में 50 मध्यम सिंचाई योजनाओं को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही साथ 102 पुराने ओल्ड इरिगेशन फैसिलिटी पुरानी और मध्यम सिंचाई योजनाओं का लाभ लेने का
निर्णय लिया गया है, लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, देवघर जिला में, देवघर जिला में देवघर जिला में पुनासी जलाशय योजना और साहेबगंज में निर्माणाधीन पुनासी बराज परियोजना, पुनासी बराज सॉरी गुमानी, देवघर जिला का पुनासी जलाशय योजना और साहेबगंज का निर्माणाधीन गुमानी बराज परियोजना परियोजना का काम पूरा किया जाएगा। किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बजट के तहत, बजट के तहत सिंचाई के लिए 300 चेक डैम पूरा किए जाएंगे, पूरा किए जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, स्कूली शिक्षा विभाग, स्कूली स्कूली शिक्षा विभाग हेडिंग है, मतलब स्कूल शिक्षा विभाग में इस बजट में के तहत कौन कौन प्रावधान किए गए हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आपका हेडिंग होगा स्कूली शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग। लिखिए इसमें, कक्षा एक से बारह तक के सभी विद्यार्थियों को, कक्षा एक से बारह तक के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एवं कक्षा 9 से 12, 9वीं क्लास से 12th क्लास तक, एवं कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को पुस्तक एवं पोशाक मद में अब 2700 रुपये, 2700 मिलेंगे। मिलेंगे उसी का नेक्स्ट पॉइंट, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शत प्रतिशत साक्षरता साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शत प्रतिशत साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य जो 2030 तक निर्धारित है, जो 2030 तक निर्धारित है, इस लक्ष्य को
2024 तक, इस लक्ष्य को 2024 तक हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। नेक्स्ट, माध्यान्ह भोजन योजना, मिड डे मील। माध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईया सह सहायिका के मानदेय में माध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि किया जाएगा। जिससे अब उन्हें मानदेय के रूप में 2000 प्रति माह मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आगामी वित्तीय वर्ष में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन, 15 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराते हुए पठन पाठन का कार्य आरंभ किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 15 झारखंड आवासीय भवन का निर्माण पूरा कराते हुए इसमें पठन पाठन का कार्य आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आकांक्षा योजना के तहत जेईई झारखंड इंजीनियरिंग जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए आकांक्षा योजना के तहत जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग चलाई जा रही है। जिसमें प्रतिवर्ष 80 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता रहा है अब 240 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नामांकन करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट लिखिए, विभाग लिखिए, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग लिखिए, इसमें
बजट में, इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट, बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा, बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास हेतु, जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास हेतु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, यूजीसी रेगुलेशन 2018, यूजीसी रेगुलेशन 2018 को झारखंड में भी लागू किया जाएगा, किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, राज्य में उच्च शिक्षा को और व्यापक बनाने हेतु, राज्य में उच्च शिक्षा को और व्यापक बनाने हेतु झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड एजुकेशन ग्रिड JEG, झारखंड एजुकेशन ग्रिड GRID योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग JCDL, झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग के नए विचार की अवधारणा लाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालय, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को NAAC मतलब नेशनल असाइनमेंट्स एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC से प्रमाणीकृत करा लिया जाएगा। NAAC से, नेशनल असाइनमेंट्स एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से प्रमाणीकृत करा लिया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, देखिए इसमें आप लोग, वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत PPP मॉडल
मॉडल पर सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र बनेंगे। इसके अलावा 100 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एपीएल परिवारों को भी एपीएल परिवारों को भी एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान योजना का सशर्त लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 92% स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में होगी। 92% स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस बीमा के दायरे में होगी एवं कई जिलों में खुलेंगे नए नर्सिंग स्कूल नेक्स्ट पॉइंट, रिन पास वही रांची मेडिकल रिम्स वाली रिन पास मेडिकल कांके रिन पास कमा दीजिए रिन पास कांके रांची में टाटा ट्रस्ट के द्वारा कैंसर केयर केंद्र खोलने हेतु राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच इकरारनामा किया गया है जिसके तहत 300 बेड वाले विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल 300 बेड वाले विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में एक एक प्रखंड के हाट बाजारों में चलंत क्लिनिक के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट लिखिए उद्योग विभाग। नेक्स्ट है उद्योग विभाग। उद्योग विभाग
इसमें लिखिए उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग, वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 3000 बुनकरों, 3000 बुनकरों एवं 2000 शिल्पकारों, 3000 बुनकरों एवं 2000 शिल्पकारों, शिल्पकारों को, शिल्पकारों को उत्पादन से जोड़ा जाएगा, उत्पादन से जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1020 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, 1020 पॉइंट, झारखंड राज्य तसर उत्पादन में, झारखंड राज्य तसर रेशम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, ऐसे में 3000 मैट्रिक टन तसर रेशम, ऐसे में 3000 मैट्रिक टन तसर रेशम उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल्स रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर, झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल एवं ट्रेनिंग सेंटर रांची में, दुमका में, उपलब्ध कराए जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार के सहयोग से नगड़ी रांची में, भारत सरकार के सहयोग से नगड़ी रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के सहयोग से नगड़ी रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संचालन हेतु राशि का प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से नगरी रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संचालन हेतु राशि का उपबंध किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जिडको झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JIIDC, जिडको झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से, प्लास्टिक पार्क देवघर की स्थापना हेतु
राशि का उपबंध किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नए उद्योग को स्थापना करने हेतु, नए उद्योग स्थापित करने हेतु झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वही जियाडा, झारखंड नए उद्योग स्थापित करने हेतु झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा के अंतर्गत आधारभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग है पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग। इसमें लिखिए 2020-21 के बजट में, पर्यटन विभाग का फर्स्ट पॉइंट है, 2020-21 के बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में पर्यटन क्षेत्र में 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार के द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत देवघर के विकास कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके तहत कांवरिया पथ में शिवगंगा के पास शिवगंगा तालाब तथा बैद्यनाथ मंदिर के पास कांवरिया हेतु अनेक योजनाओं की स्वीकृति दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दालमा चांडिल गेतलसूद नेतरहाट बेतला इको टूरिज्म सर्किट, चांडिल गेतलसूद
नेतरहाट डैश बेतला इको टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु दालमा चांडिल बेतलसुद नेतरहाट बेतला इको टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इटखोरी को बृहद पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, लुगुबुरु एवं बोकारो की महत्ता को देखते हुए यहां स्थल सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट, दुमका में म्यूजियम निर्माण को पूर्ण कराए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट, रांची जिला अंतर्गत हटिया डैम के पास जनजातीय थीम पार्क विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लातेहार जिला में नेतरहाट में सैल हाउस को म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, इटखोरी महोत्सव बैद्यनाथ महोत्सव लुगुबुरु महोत्सव छऊ महोत्सव और रजरप्पा महोत्सव को आयोजित करने का योजना है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के बीपीएल श्रेणी के बुजुर्ग लोगों को निःशुल्क तीर्थयात्रा कराए जाने की योजना
किराए जाने की योजना आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी, आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले राज्य के कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले राज्य के निवासियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर 1,00,000 रुपये सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव है। और लास्ट पॉइंट लिखिए, पर्यटन का साहसिक पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्र में, साहसिक पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता हेतु राज्य के इच्छुक लोगों को, राज्य के इच्छुक लोगों को निवास NIWS निवास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, इच्छुक लोगों को निवास NIWS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है, किए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट लिखिए छात्रगण, खेलकूद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, खेलकूद विभाग देखिए, इसमें 2020-21 के बजट में पंचायतों में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, एवं खिलाड़ियों को खोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में खेल प्रवृत्ति को बढ़ावा देने एवं अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने हेतु, अच्छे स्वास्थ्य को प्रशिक्षण देने हेतु फिट इंडिया अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत जिम एवं प्रशिक्षक की व्यवस्था के साथ साथ रांची हाफ मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि
खिलाड़ियों के साथ साथ आम जन भी फिट एवं स्वस्थ रह सके। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में खेल कूद के प्रशिक्षण हेतु 36 राज्य में खेल कूद के प्रशिक्षण हेतु 36 आवासीय एवं 86 दीवा प्रशिक्षण सिर्फ दिन में 36 आवासीय एवं 86 दीवा प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। इसमें अगले वित्तीय वर्ष में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी छात्रगण, अभी हम झारखंड के सांस्कृतिक या झारखंड के विशिष्ट पहचान के अंतर्गत हम झारखंड की आर्थिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, खासकर समसामयिक के दौरान, या झारखंड की आर्थिक स्थिति अभी समसामयिक मतलब अभी वर्तमान में कैसी है, खासकर इस बजट में कौन कौन सी बातें कही गई है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। छात्रगण, हम झारखंड के बजट में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जिक्र करते हुए हम आ रहे हैं कि झारखंड की आर्थिक स्थिति विभागवार में क्या व्यवस्था की गई है इस बजट में, उसकी चर्चा कर रहे हैं। छात्रगण, अभी और कुछ महत्वपूर्ण विभागों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वित्तीय जो बजट चल रही है अभी 2020-21, उस बजट के तहत उस डिपार्टमेंट में और कौन सी महत्वपूर्ण बातें का प्रावधान किया गया है या किया जाएगा। ओके, थैंक यू।